हरे कृष्णा, कृष्ण एरियन के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी जो केल के पत्तों से बनती है। रेसिपी वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यू है चैनल को तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने 6 गुच्छे लिए हैं केल के, जिसे अच्छी तरह से धो के ऐसे कपड़े में फोल्ड कर दिया है। 5 मिनट के लिए साइड पे रख दिया है मैंने। अब एक छोटे से बोल में 1.5 टेबलस्पून चने का आटा, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, जिसे एसाफेटिडा भी कहते हैं। अब उसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हिमालयन रॉक सॉल्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हम ये जो थिक पेस्ट है यूज करना है केल को कोट करने के लिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने प्योर सेसमी ऑयल डाला है, बस 1 ही टीस्पून डाला है, ज्यादा नहीं, इससे फ्लेवर जो है वो एनहेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मेरे पत्ते हैं इसमें थोड़ी सी नमी रह गई है, तो ये जो टॉवल है इसे मैंने पोंछ दिया है इसे अच्छी तरह से। अब धीरे धीरे पत्तों को स्टेम से अलग कर दिया है। इतना ध्यान में रखिएगा कि हमें स्टेम नहीं डालना है, वरना स्टेम की वजह से केल के जो पत्ते हैं पकेंगे नहीं प्रॉपरली और क्रिस्पी नहीं होंगे। अब इस केल के पत्ते में हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। तो एक बात बताना चाहूंगी, ये जो केल का पत्ता है ये बहुत ही रिच होता है आयरन में। जिसे भी आयरन का प्रॉब्लम है वो इसे खा सकते हैं, मतलब अपने डाइट में रेगुलरली यूज कर सकते हैं। अब आयरन के अलावा ये विटामिन के में भी बहुत रिच होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर है विटामिन B6, जहाँ पे ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और तो और, अगर आप केल को अपने रेगुलर डाइट में भी इंक्लूड करते हैं, जैसे सूप्स होता है, सैलड होता है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है कैंसर से भी प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है, इसके वजह से ये आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। अब मैंने इस केल के पत्तों को 2 बैच में डिवाइड किया है। तो पहले बैच में मैंने इस तरह से केल के पत्ते को रख दिया है पार्चमेंट पेपर पे प्लेस करके। इसे 325 फ़ारेनहाइट पे हम 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे प्री हीटेड ओवन में। अब यहाँ पे मेरा ये दूसरा बैच है। ध्यान रखिएगा, जो पेस्ट बनाया था हमने उसे हमें इवनली कोट करना है केल के साथ पे। अगर कहाँ पे केल का पेस्ट ज़्यादा लग गया तो फिर वो बेक नहीं होंगे प्रॉपरली। और इसे बेक करने का रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपके जो केल के चिप्स है वो क्रिस्पी हो। अगर वो 15 मिनट में क्रिस्पी ना हो तो आप उसे 300 फ़ारेनहाइट पर रख के 5 मिनट के लिए और बेक होने दीजिएगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है हमारा केल। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूट्रिशनल यीस्ट स्प्रिंकल करेंगे। ये न्यूट्रिशनल यीस्ट वेजिटेरियन है, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे मैंने भुना हुआ सफ़ेद तिल, जिसे रोस्टेड सेसमी सीड्स बोलते हैं, वो भी थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। और इसका साउंड बताऊंगी मैं आपको कितना क्रिस्पी है। थोड़ा सा और सेसमी सीड्स ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। हेल्दी होने के साथ साथ ये न्यूट्रिशनल यीस्ट फ्लेवर एनहेंसर और एंटीबैक्टीरियल भी है। अब यहाँ पे केल के चिप्स को हम ऑफरिंग बोल में डाल के तुलसी का पान प्लेस करके श्री कृष्ण के पावन चरण पे ऑफर कर देंगे इसे। बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।